गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 39 पिक्चर कॉम्पोजिशन। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर पिक्चर इज गिवन ऑफ वन स्टोरी। स्टोरी एक ही है पर उसके पार्ट्स अलग अलग किए हुए हैं। यू कैन सी स्टोरी फर्स्ट, यू ऑब्जर्व द पिक्चर प्रॉपरली। पिक्चर कॉम्पोजिशन में रूल्स क्या होते हैं कि पहले अच्छे से पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, फिर उसमें से पैराग्राफ बना के हमको लिखना है। When we were small students, that time we were writing story in number wise, means वो number, उसके parts हम number में लिखते थे। जैसे वन part है picture का तो number वन, number टू, इस तरह से हमको अभी number बना के नहीं लिखना है। We are growing students, so we have to write in paragraph. Fully story we have to write in paragraphs. तब paragraph में कैसे लिखेंगे, तो starting हमको कैसे करनी है story की, तो first paragraph हमको नीचे example के लिए दिया हुआ है। बट इन एग्जाम्स वी कांट फाइंड फर्स्ट पैराग्राफ, वी हैव टू राइट अवर ओन। ओके, पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो हमको समझ में आना चाहिए कि पिक्चर में कौन सी स्टोरी दी हुई है। तो स्टोरी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में मैन है, ही इज़ स्लीपिंग देयर एंड ही इज़ वियरिंग कैप। अब मंकीज हैं ऊपर ट्री पे, वो नीचे आते हैं और उसकी कैप्स लेके और खुद के ऊपर पहन के चले जाते हैं। तो मीन्स ये स्टोरी कैप्सेलर की और मंकीज की है, आपने सबने सुनी होगी। चलो अभी हम डिटेल में स्टोरी राइट करते हैं। स्टोरी राइट कैसे होगा, नाउ सी हियर, पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और स्टोरी को हमको अच्छे से टाइटल भी देना है। ओके, तो टाइटल सूटेबल है इसका, द कैप्सेलर एंड मंकीज। Now we are going to start our story here. First paragraph, a cap sailor once felt very tired going from village to sell the caps. He saw a large shady tree by the side of the road. He spread his cloth on the ground and slept on it with his cap on his head. Soon he was fast asleep. यानी एक मैन था, विलेज टू विलेज अपने जो कैप्स थी वो सेल करता था, एक विलेज से दूसरे विलेज जाता था। और फिर जब एक बार उस वो क्या है घूमते घूमते थक गया तो एक शेडी ट्री देखा रोड के एक साइड पे, वो शेडी ट्री के नीचे एक अपना क्लोथ पथारा और उसके ऊपर सो गया। और वो जो अपना बॉक्स था कैप्स का वो साइड में रखा, सो गया, उसको तुरंत ही नींद आ गई, फास्ट स्लीप यानी गहरी नींद आ गई। अब सेकेंड पैरा हम स्टार्ट करते हैं, देयर वेयर मैनी मंकीज ऑन द ट्री, दे सॉ द कैप सेलर्स बॉक्स, दे ऑल केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड टुक आउट ऑल द कैप्स फ्रॉम द बॉक्स एंड वॉर देम। अब वो ट्री के ऊपर मंकीज रहते थे, उन्होंने देखा नीचे मैन सोया हुआ है, वो नीचे आए एक एक करके धीरे धीरे से, और उसके बॉक्स में जो कैप्स पड़ी थी वो सारी कैप्स उठाई, अपने हेड पे रखी और ऊपर चले गए। आफ्टर सम टाइम व्हेन द कैप सेलर वॉक अप, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज बॉक्स विच वॉज एम्प्टी। अब वो थोड़ी देर के बाद जब वो कैप सेलर उठा तब उसने बॉक्स देखा तो एम्प्टी हो गया, वो शॉक्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। ही डिडंट नो व्हाट हैड हैपेंड एक्चुअली, उसको पता ही नहीं चल रहा था एक्चुअली में हुआ क्या है। नाउ थर्ड पैराग्राफ, सडनली ही सॉ द मंकीज आर सिटिंग ऑन द ट्री, अचानक से उसकी नज़र ऊपर गई तो ऊपर मंकीज बैठे थे ट्री पे, और क्या देखा उन्होंने, वियरिंग हिज कैप्स, वो मंकीज कैसे बैठे थे ऊपर उसके हेड पे, अपनी इसकी जो कैप्स थी वो वियर करके बैठे थे। ही थॉट एंड थॉट एंड रिमेंबर्ड, वो सोच रहा था मैं उनसे कैप्स वापस कैसे लूँ, थॉट तो सोचा सोचा बहुत सोचा, और लास्ट में उसको क्या याद आया, दैट मंकीज आर मिमिकिंग, मंकीज आर मिमिकिंग, मिमिकिंग यानी उसकी मंकीज जो हैं जो हम करते हैं ना वो हमारी कॉपी करते हैं, तो उसको याद आ गया कि मंकीज तो कॉपी करते हैं। फिर उसने क्या किया, ही गॉट एन आइडिया, एक आइडिया उसके दिमाग में आया, ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू टूवर्ड्स द मंकीज। अब मंकीज तो ऊपर बैठे थे, उसने क्या किया अपनी कैप उतारी और नीचे मंकीज के आगे फेंक दी, फेंकी नीचे ही, मंकीज ऊपर थे लेकिन मंकी के साइड में फेंकी, टूवर्ड्स द मंकीज। मंकीज डिड द सेम थिंग, मंकीज ने भी सेम किया यानी उन्होंने अपनी अपनी कैप उतारी और कैप सेलर के पास में फेंक दी। They all removed the caps and threw towards the cap seller. The cap seller collected all the caps and put them in his box and went away. Again he started selling caps from village to village. तो ये हो गई हमारी स्टोरी कम्प्लीट। अब मंकीज ने जो कैप फेंकी थी वो कैप सेलर ने तुरंत ले ली, अपने बॉक्स में रखी, बॉक्स बंद किया और वो बॉक्स जो था अपने हेड पे रख के फिर से कैप्स को सेलिंग करने के लिए विलेज टू विलेज घूमने के लिए चला गया। तो ये हो गई हमारी स्टोरी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। स्टोरी तो आपकी
सुनी हुई होगी, आपको सिर्फ उसको कैसे वर्ड्स में फिल करना है और कैसे स्टोरी लिखनी है वो आपको अच्छे से समझना है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, विल मीट अगेन सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।